नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आधार कार्ड का एक और नया अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें आप लोग अब घर बैठे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। पहले क्या होता था कि आधार कार्ड में जो है कि नाम, एड्रेस, DOB वगैरह आप लोग जो है ऑनलाइन कर लेते थे अपडेट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ। लेकिन पहले मोबाइल नंबर जो आप लोग ऑनलाइन नहीं कर पाते थे, अब मोबाइल नंबर आप लोग अपडेट ऑनलाइन कर पाएंगे घर बैठे। आपको सुविधा ये मिलने लगा है, जो कि आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आपका जो है ये सुविधा आपका आया है भारतीय डाक की तरफ से, जिसमें आपको यहाँ पर जैसे आप लोग उसमें स्लॉट बुक करके जो है अपॉइंटमेंट बुक करके जाते हैं, लेकिन इसमें आप लोग बुक करेंगे और आपके घर पर आके वो आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर बायोमेट्रिक लेके जो है अपडेट कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कैसे पूरा प्रोसेस को करना है। तो सबसे पहले क्या करना, आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग रीडायरेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है आपको, आधार मोबाइल नंबर अपडेट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सैल्यूटेशन सेलेक्ट करना है, मिस्टर मिसेस क्या है। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम डाल, जिसका भी आप लोग मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो उसी का सारा डिटेल्स आपको देना है। यहाँ पर एज पर आधार कार्ड फर्स्ट नेम डाल देंगे, कोई मिस्टेक नहीं करना है। लास्ट नेम डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, एक ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर वो डालेंगे जो आपको लिंक करना है, और ईमेल आईडी डाल देंगे। फिर एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस सेकेंड लाइन जो भी आपका एज पर आधार कार्ड है वो सारे डिटेल्स यहाँ डालेंगे। पिन कोड डालेंगे, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। लोकेशन के हिसाब से आपको जो वहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद सब डिवीजन, डिवीजन, रीजन, सर्कल, स्टेट, पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको सारा फिल कर देना है। एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट वो भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपको आई एग्री यहाँ पर कर देना, और उसके बाद टेक्स्ट वेरिफिकेशन यहाँ पर जो कैप्चा दिया वो उसको सबमिट कर देना। उसके बाद जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 50 रुपये का, जो कि आपको जैसे आधार कार्ड जो अपडेट कराने में लगता है वही पेमेंट आपको करना है। उसके बाद जैसे पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा, और आपको ये सुविधा 3 से 5 दिन के अंदर जो है आपका जो भारतीय डाक यानी कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो है एक एजेंट भेजे जाएंगे, और वो आपका बायोमेट्रिक लेके आपका जो है आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से आपका जो नया मोबाइल नंबर जो भी आप लोग देना चाहते हैं उससे लिंक कर देंगे। लेकिन अगर आपका जो पोस्ट ऑफिस नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है, कोई कोई सा आपका ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो आपका नियरेस्ट है, उसमें जो काम जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं वो अच्छे से करते नहीं, इसलिए वहाँ टाइम भी आपका लग सकता है अगर आपका जो पोस्ट ऑफिस इस प्रकार का है तो। लेकिन अगर आपका जो पोस्ट ऑफिस में सही से सारा काम टाइम पर होता है तो आपको 3 से 5 दिन के अंदर ही आपको जो है कॉन्टैक्ट करेंगे, जो भी आपके एजेंट होंगे आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे आप लोग घर पर है या नहीं, घर पर रहेंगे तभी, और अपना हिसाब से आप लोग टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोग कॉल पर बात करके कितना बजे आना है, मैं घर पर अवेलेबल नहीं हूँ, इस तरीके से जो आपको जो है पूरा प्रोसेस करना, आपको बात कर लेना जब भी आप लोग घर पर अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद जो है आपको आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाएगा और आपके घर पर आकर वो लोग KYC कंप्लीट कर देंगे, बायोमेट्रिक लेके आपका जो है मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। तो ये सुविधा आपका घर बैठे स्टार्ट हो गया। जैसा कि आप लोग पहले आधार सेंटर यानी जाना पड़ता CSC सेंटर आपको जाना पड़ता था आपका आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक कराने के लिए, उसमें भी आपको 50 रुपये लगता था, इसमें भी 50 रुपये लगता है, लेकिन अंतर आपको घर बैठे ये सुविधा मिल रहा, यानी कि समझ सकते हैं होम डिलीवरी। तो इस तरीके से जो आपको जो है पूरा प्रोसेस करना है गाइस आधार कार्ड को मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए। तो मुझे आशा आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, वीडियो हेल्पफुल लगा। अगर हेल्पफुल लगता है तो लाइक जरूर करेगा। हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा लाते रहता हूं और आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहता हूं। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।